कर रहे हैं एक और फ्रेग्रेनेटर के इसका एसकेआर यहां पे ही इज ऑलमोस्ट ओके ही गॉट नॉक डाउन विद द RRQ's seniors Nate and यहाँ पे सही बातें हैं। यहाँ ये एक सोल के लिए बेनिफिशियल होता है, टेस्ट के दो बंदों को पीछे जाना होगा RRQ को फाइट फेस करने के लिए। यहाँ XQF सीन में आते हुए RRQ के D2E को नॉक किया एंड BTR ने यहाँ पर्पल मूड के जूम्स और नाविन दोनों को नॉक किया, तो यहाँ पे और XQF कैट यहाँ पे RRQ को मार के फिनिश कर दिया यहाँ पे AKM से एंड सोल रौनक फिर से यहाँ पे नॉक डाउन हुआ XQF कूल बॉय से एंड इस बार फिनिश ही हो गया। ओएस को यहाँ पे ग्रेनेड से यहाँ पे नॉक डाउन करा TES ईयर्स ने, तो TES यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल रही है एंड दे आर यूजिंग दोज स्मॉल रेजेस मिनी 14 यूज कर रहे हैं वो लोग एंड किल भी यहाँ पे निकाल रहे हैं। सेंटर ऑफ द जोन में है वो लोग, अभी भी उनके पास जोन है, बाहर से टीम आने वाली है एंड उनके पास कवर है और चारों के चारों प्लेयर हैं उनके पास जिंदा उनके। सही बात है, यहाँ पे सोल की टीम की मुझे बात करूँ तो उन्होंने बहुत सारा स्मोक करके वाइपर को बैकफुट में लाया, उनको हील करने की कोशिश है पर तीनों प्लेयर्स इतने करीब है कि एक नेट में पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो सकती है। यहाँ पे टेस्ट स्मोक करते हुए यर्स एंड खुद को बूस्ट स्टॉप करना चाहेगा बट टेस्ट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा सैंडविच्ड है बिकॉज राइट हैंड साइड में RRQ ने कभी भी सोचा कि लेफ्ट साइड से रोटेट करते हैं एंड यूनिक याशा भी वहाँ पे एक दिक्कत दे सकते हैं बिकॉज वो अकेला बंदा अपने स्क्वाड का हो तो वो मेरी ख्याल से कभी भी पीछे से शॉट फायर कर सकते हैं एंड राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो उनके पूरा सोल का स्क्वाड है। सिर्फ यहाँ पे रौनक वाइप आउट हुआ है, मॉर्टल ओवेस एंड वाइपर यहाँ पे जिंदा है, पैरा बॉय कूल बॉय कैट एंड जिमी इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, इनके पास एक रिज है अच्छा खेलने के लिए एंड एट द सेम टाइम RRQ भी है यहाँ पे पोजीशन लिया। मतलब RRQ एक बार तो आप पैसिव हो गए, इतना अग्रेसिवली टेस्ट पे चार्ज कर रहे थे, मे बी अपने लूट को वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए यहाँ पे क्योंकि अभी भी 32 लोग बचे हैं, 11 टीम बची है एंड RRQ एकदम भी नहीं चाहिए कि वो इतनी अर्ली एग्जिट ले। यहाँ टेस्ट और सोल के बीच में जो फाइट है वो अभी भी जारी है, टेस्ट के राइट में RRQ होल्ड कर रही है जो चाहेंगे कि वो थर्ड पार्टी करके इस पूरे गेम का फायदा उठाए। यहाँ पे BTR यहाँ पे जोन के अंदर आती हुई है, उन्होंने नोवा के प्लेयर को नॉकडाउन करा, ARG को प्लैनेट को नॉकडाउन करा, BTR SN ने बराका को नॉक करा एंड फिनिश करा ARG प्लैनेट को एंड नोवा बैंडेड यहाँ पे नॉकडाउन होता हुआ। BTR यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन की राह पे यहाँ पे जोन के अंदर आते हुए एंड ये अच्छा सा ग्रेनेड था यहाँ पे TES ईयर्स यहाँ पे नॉकडाउन और RRQ G9 जैसे मैंने पहले बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड अगर रोटेट करेंगे एंड यहाँ पे ईयर्स फिनिश होता है पर काफी डैमेज दिया उसने, बहुत ही प्यारा नेट था यहाँ पे G9 का एंड BTR जक्सी वहाँ PLM के पीछे जाते हुए CZ को नॉक करते हुए ARG का लैपिस नोवा जेन को फिनिश किया। मार चुके हैं 8 टीम 26 प्लेयर, क्या यहाँ पे कुछ गेम चेंज होगा, कौन ट्रॉफी उठाएगा यह हमें देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे 2 प्लेयर एक प्लेयर फिनिश होता हुआ एंड KKSKR यहाँ पे फिनिश होता हुआ एंड यहाँ पे RRQ एक बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट गेम प्ले दिखा रही है यहाँ पे। मतलब अगर टॉप स्पोर्ट्स यहाँ पे अर्ली एग्जिट ले तो XQF के पास बहुत अच्छा चांस रहेगा कि वो एक बहुत ही अच्छी लीड के साथ यहाँ पे यू नो टेबल को टर्न करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सोल थोड़ा राइट की ओर एक्सटेंड करते हुए टेस्ट की ओर और बढ़ते हुए चाहेगा कि टेस्ट को स्पॉट करे और वहां पे उनको पिकअप करके किल करे। यप, एट द सेम टाइम अभी यहाँ पे कोई भी अपने स्पॉट को यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता, कोई भी यहाँ पे प्लेयर प्रोन पोजीशन से यहाँ पे क्राउच में आना चाहता बिकॉज सारे प्लेयर्स 8 टीमें 24 प्लेयर्स यहाँ पे इस छोटे से जोन में जिंदा है एंड XQF का स्क्वाड यहाँ पे स्मोक बॉल है, छोटा सा डिप है वो बहुत अच्छी तरीके से यूज करे। TES के प्लेयर्स टॉप ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़े से बैकफुट पे जाते हुए एट द सेम टाइम जो सेकंड टीम है जो XQF है वो दिक्कत आएगी वहाँ पे एंड सोल वाइपर यहाँ पे मेरी ख्याल से स्पॉट कर चुके हैं, व्हाइट कैट यहाँ पे या तो वाइपर को स्पॉट कर चुका है उस पेड़ के पीछे, फसी को यहाँ पे कहीं से टैग पड़ रहा है एंड देखते कौन इसको फंसी को परेशानी शुरू। एक चीज यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी बिकॉज ओवेस यहाँ पे उस डिप पे आ चुका है जहाँ पे XQF के चारों प्लेयर जिंदा थे, कूल बॉय को नॉकडाउन करा, कूल बॉय वहाँ पे है सामने जिमी के पास रेव लेने जा रहे हैं बट पैरा बॉय यहाँ पे उनके सामने है ओवेस के, मॉडल एंड वाइपर थोड़ा सा लेफ्ट संभाल रहे अपना जहाँ पे BRK के प्लेयर्स है, ओवेस अगर यहाँ पे पैरा बॉय को निकालता तो XQF की वहाँ पे कवर टूट जाएगी बट यहाँ पे मॉडल नॉकडाउन होता हुआ XQF ने XQF के कैट को यहाँ पे ओवेस ने नॉकडाउन करा, व्हाइट कैट ने यहाँ पे मॉडल को फिनिश करा बट मीन वाले यहाँ पे कैट भी फिनिश करता हुआ यहाँ पे ओवेस का थोड़ा सा ETS फायर यहाँ पे कदर मेरे ख्याल से थोड़े से एक्यूरेट बुलेट जाती बट वाइपर भी यहाँ पे प्रोन होके जोन के अंदर जा रहा है बट व्हाइट कैट को पता है वहाँ पे वाइपर है बट वो एग्जैक्ट स्पॉट नहीं कर पाया है। अब देखते हैं यहाँ पे व्हाइट कैट क्या करेगा बिकॉज दो प्लेयर यहाँ पे TES के बजे XQF कूल बॉय ने यहाँ पे सोल ओवेस को नॉकडाउन करा एंड फिनिश भी हो जाएगा एंड यहाँ पे टीम सोल का एग्जिट होते हुए साथ पोजीशन में वाइपर को फायर बॉय ने फिनिश ऑफ किया एंड टीम सोल का सफर यहीं खत्म होते हुए। अब बात रहती है XQF और TES में, दोनों टीम लड़ रहे हैं ट्रॉफी के लिए, इनको यहाँ पे काफी केयरफुल लेना का रहा है क्योंकि अर्नी ने TQ के आयला को नॉक किया, अर्नी ने XL को भी नॉक किया, 1v2 कर चुके हैं। टीम कैसो यहाँ पे प्रॉब्लम है दिखते हुए, टीम कैसो का मार्को वहाँ पे BTR पे फोकस कर रहा था एंड यहाँ RRQ अर्नी जोन के अंदर घुसते हुए अपनी टीम के दो प्लेयर्स और अलाइव है पर वो पूरा एक डिपार्टमेंट अकेले संभाले, यहाँ सीनियर हिट्स लेते हुए माइटेक मिथक ने XQF के कूल बॉय को फिनिश
ऑफ किया एंड एक्सक्यूएफ का कैच के रिटेलिएटरी फायर में मितक फिनिश होते हुए बीटीआर का जक्सी टीक्यू के मार्को को नॉक करते हुए बीआर के हमें एलिमिनेट होते हुए दिख रही है। प्ले जोन से टीएस के फायर बॉय नॉक होते हुए बीटीआर जक्सी यहां टीक्यू मार्को को नॉक करते हुए एक्सक्यूएफ के कैच ने फायर बॉय को नॉक किया। क्या ये टेस्ट और एक्सक्यूएफ की जो फाइट है जिसमें टेस्ट का भी अपर हैंड है, बस मेरी क्या चाहिए यहां पे एक्सक्यूएफ यहां आउट हो चुके हैं एंड टीएस हो सकती है हमारी टूर्नामेंट के विनर, पर जीमी अभी बचा है जिसने व्हाइट केट को फिनिश किया। यहां पे क्या जीमी अपने टीम को बचा सकते हैं टॉप स्पोर्ट्स से एलिमिनेट होते हुए। अब बात आ जाएंगे किल्स पे, क्योंकि अगर यहां पे चिकन डिनर निकाल गया तो हमारे को यहां पे मेरी ख्याल से पॉइंट टेबल में एक्सक्यूएफ विनर नजर आएगी। बट अबे जिमी अकेला बंदा बचा है, उसके राइट हैंड साइड में आरआरक्यू जीनियर है और सीनियर है, सामने से पूरा बीटीआर का स्क्वाड आ रहा है। यहां पे टी क्यू मिस्टिक ने यहां पे नॉकडाउन करा ऊपर, बट यही एक फायदा है यहां पे जहां पे जिमी थोड़ा सा ओके यहां पे जिमी गॉट नॉकडाउन एंड फिनिश। बट मेरे को लगता है कि यहां पे टॉप ई-स्पोर्ट्स निकाल जाएगी इस टूर्नामेंट के विनर्स, यहां पे टॉप टूर्नामेंट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। यहां आरआरक्यू का जीना स्पॉटेड है बीटीआर राइजन से, बीटीआर यहां पे शायद चिकन डिनर की ओर बढ़ रही है क्योंकि अभी आठ लोगों में बीटीआर इकलौती टीम है जिनके पास चार बंदे अभी भी जिंदा है। आरआरक्यू के पास दो बंदे हैं जीनेन और सीनियर, जो है तो चार बंदों के काबिल, पर क्या वो यहां पे अपने लिए आरआरक्यू एक टूर्नामेंट को हाई एंड में फिनिश ऑफ कर पाएगी। यहां बीटीआर के राइजन ने आरआरक्यू के जीनेन को स्पॉट कर लिया, गाड़ी को उड़ाने की कोशिश जीनेन उसे हिट लेते हुए एंड यहां जीनेन चाहेगा कि वो खुद को रिवाइव करे, बीटीआर चाहेगी कि वहां पे चिकन डिनर निकाले। 12 किल उनके झोली में ऑलरेडी उन्होंने भर चुका है, अगर बाकी चार किल को मारते हैं तो 16 किल का चिकन डिनर मिल सकता है बीटीआर को, जो उनको इस टूर्नामेंट टेबल में काफी ऊपर ले जाएगा। जीनेन यहां पे प्ले जोन से नॉकडाउन होता हुआ क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा है एंड वो नॉकडाउन था। सीनियर और गर्दी ने सोचा कि उसके ऊपर गिव अप करते हैं, बट राइजन ने वहां पे वो किल कंफर्म करा एंड लेफ्ट साइड से रोटेट करेंगे तो सीनियर यहां पे दोनों की दोनों ही साउथ ईस्ट एशियन चैंपियंस आरआरक्यू और बीटीआर के बीच में फाइट। बीटीआर के राइजन ने अर्नी को नॉक किया, सीनियर ने लक्सी को नॉक किया, यहां सीनियर जोन का डैमेज लेते हुए बीटीआर एक चिकन डिनर के साथ टूर्नामेंट के लास्ट गेम को बहुत ही हाई नोट पे फिनिश करते हुए इंडो ब्राइट जाएंगे हम इसको एंड चिकन डिनर यहां पे बीटीआर के नाम एंड मेरी ख्याल से इस विन के साथ ये लोग टॉप 5 को मेरी ख्याल से अंदर आ ही जाएंगे एंड यहां पे हमारे मेरी ख्याल से एक्सक्यूएफ हमारे विनर्स मिल चुके हैं। मेरी ख्याल से एक्सक्यूएफ या तो टीएस, देखते हैं दोनों में से कोई भी एक ना एक यहां पे विनर हमारे सामने आ जाएंगे क्योंकि हम टोटल स्टैंडिंग का बहुत